जो कैंपिंग किया है लोगों से कहना चाहता हूँ कि देश संविधान से चलेगा और उस मामले में राहुल गांधी या जितने भी गठबंधन के नेता हैं उसमें बहुत लोग सक्षम है प्रधानमंत्री बनने के लिए ये कहना उचित नहीं। अभी आपको बता दूँ अब मैनिफेस्टो आपने भाजपा का देखा होगा उस मैनिफेस्टो में था कि पूरे देश में 250 नवोदय विद्यालय खोलने का काम करेंगे और 3 महीना पहले जब मैंने सवाल किया था राज्यसभा में लिखित शिक्षा मंत्री से कि नवोदय विद्यालय या उस स्तर पर देश में कोई स्कूल खोलने का प्लान है भारत सरकार का, जवाब लिखित आया जो मेरे पास मौजूद है कि नहीं कोई ऐसा प्लान नहीं है। तो 3 महीना में 250 स्कूल खोलने की बात मैनिफेस्टो में आ गई, कब तक भूल झोंकते रहेंगे। अभी उस मैनिफेस्टो में था पूरे देश में 75 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, जितने मेडिकल कॉलेज भारत में हैं चाहे वो बिहार में हो भारत के विभिन्न राज्यों में हो, आप देखेंगे कि टीचर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, लोग नहीं है, नर्सेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। फिर झूल झोंकने का काम करते हैं वोट की राजनीति में तो 75 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, सारा मैनिफेस्टो उनका फार्स है, ठगने वाला है। अब यहाँ की जनता ठगाने वाली नहीं है, जनता समझ चुकी है। जब आंधी तूफान आने वाला होता है तो आप देखते होंगे कि एकदम शांति छा जाती है, वही शांति है पूरे देश एनडीए का खिलाफ करेंगे तो हमें अंदर कर दिया जाएगा, जो हालत की जा रही है लोगों की, इसलिए वो खामोशी से पलटना चाहते हैं। अंदर अंदर पड़ रहा है और नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंकने का नौजवानों ने, ज़ईफ़ों ने और जो लोग वोटर्स हैं उन्होंने पूरे देश में ये बांध लिया है, कफन बांध लिया है कि किसी तरह हम इसको उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। ये 23 मई को अंदाजा लगेगा। हम इसीलिए घूम रहे हैं जहाँ जो गठबंधन के कैंडिडेट हैं, हमारे डॉक्टर अर्जुन राय जी हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ सीतामढ़ी में, उनके लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आज हमने भाषण दिया, वोट मांगा और अभी घूमूंगा जहाँ भी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं जा रहा हूँ और आपके माध्यम से सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र की जनता से, वोटर से मैं अपील करना चाहता हूँ कि लालटेन छाप पर आप बटन दबाकर वोट देने का काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर वोट देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थिर नहीं रहता तो 6-6 महीना पे पार्टी चेंज करती है, उनका कोई पता नहीं। आज अभी जल्दी हो सकता है कि कल को फिर वो किसी और पार्टी में चल जाएगी। विधानसभा हमसे लड़ी थी, कांग्रेस में आके टिकट मांग रही थी, फिर जदयू में भी रही हैं, तो कभी भी कहीं जा सकते हैं, उनका कोई वजूद नहीं, अस्तित्व नहीं। अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ राजनीति कर रही हैं। लोग पिछले बार लड़ी थी जब यहाँ से निर्दलीय जब रामा देवी जीत रही थी, हमको लगता है रामा देवी के एजेंट के तौर पे काम करती है, रामा देवी को जिताने के लिए हमेशा चुनाव लड़ी है। इस बार रामा देवी के चुनाव में लड़ना चाहिए था तो नहीं लड़ी है, आपको दिख रहा होगा, आप उनका हिस्ट्री देखिए।